मैं तो ये कहूँगा कि जो भी करिए लेकिन पढ़ाई ज़रूर करिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एक बेसिक एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है. दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज शुड गो ऑन एंड दे शुड फोकस मोर ऑन स्टडीज एंड देन ऑफ कोर्स व्हाटएवर देयर हॉबीज और पैशंस आर. वेल, शिप्रा हरप्रीत गई को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ जी को, और इन्होंने बहुत बढ़िया इवेंट्स कर रखे हैं. भारत गई और शिप्रा हरप्रीत गई दोनों ही बहुत मेहनती हैं, एंड आई विश देम गुड लक फॉर ऑल द इवेंट्स, स्पेशली दिस इवेंट जो मैं देख रहा हूँ इस समय बहुत अच्छा चल रहा है. Hi, I'm Richa Mehta. I am the owner of RS Folk Personified and Fashion Lifestyle Magazine. I'm also a model and a young entrepreneur awardee. मैम, आज आप किड्स फैशन शो के अंदर द्वारका में आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. शिप्रा ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करा है 16 ईयर्स तक के किड्स को एक प्लेटफॉर्म देने का. मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मेरा एक स्टैंड ही लगा था, एक ब्रांड है उसके वहाँ पे, बट हमें ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था. आई थिंक कूडोज टू शिप्रा जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को करने का. शायद मैं मेरे टाइम में भी ऐसा होता तो मैं भी शायद एक सेलिब्रिटी किड बन चुकी होती. कैसा लग रहा है आपको एज ए जज करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल द किड्स हु आर पार्टिसिपेटिंग, बट विनर तो विनर होता है, विनर सिर्फ एक या दो ही होता है. बट जैसे एमसी भी बोल रही है और शिप्रा भी बोलती है, आई थिंक यहाँ पे जितने लोग आए हैं, जितने बच्चे आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, सभी विनर्स हैं. देखिए, आज जो ये बच्चों के लिए फैशन शो ऑर्गेनाइज किया है, मैं देखता हूँ कि आजकल बच्चों के लिए कंपटीशन इतना हो गया है, और अगर जब तक उनका ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे तब तक वो फिर आजकल के युग में पीछे हो जाएंगे. अभी कोई मुझे बता रहा था इस साल जो अपना श्रीराम कॉलेज है उसकी कट ऑफ 102% जाने वाली है, तो हमने कभी सुना ही नहीं था 102% भी कुछ होता है. तो वो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इस बार ले रहे हैं. तो ये फैशन शो हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ड्राइंग हो गया, क्विज हो गया, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सब एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी के पार्ट्स हैं, और ये अपना ड्रीम पेजेंट द्वारा, शिप्रा हरप्रीत गई द्वारा जो ये आज का फैशन शो रखा गया. और मैंने देखा कि दिल्ली से नहीं और भी राज्यों से, उड़ीसा की एक बच्ची यहाँ पे आई हुई थी, तो बहुत अलग अलग राज्यों से और दिल्ली के कोनों से यहाँ पे बच्चे आए. मेरे पास भी सुबह कई लोगों के फ़ोन आए, पेरेंट्स के, जो लोग मुझे जानते थे कि आप आ रहे हैं क्या. तो एक अच्छा इवेंट है, बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट थे, और रैंप पर चलना तो कोई आसान काम नहीं, और इतने छोटे छोटे बच्चे इतने कॉन्फिडेंस से चल रहे हैं, माँ बाप ने भी खूब ज़्यादा मेहनत करी होगी. मगर मैं देखता हूँ कि फैशन वर्ल्ड में बहुत इनको स्टार्विंग करनी पड़ती है, भूखा रहना पड़ता है, पतला रहना पड़ता है. तो वो ठीक है, पतला रहना, फिट रहना ठीक है, मगर अपना खूब अच्छा खाएं, बढ़िया खाएं, और एक कोल्ड ड्रिंक चिप्स की जगह दूध मक्खन खाएं, तो वो अच्छा बच्चों के लिए अच्छा है. तो अच्छा इवेंट रहा, ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए. मेरा नाम हांचल सिंह है और मैं बहुत टाइम से मॉडलिंग करती हुई आ रही हूँ. इस प्रोग्राम में मुझे आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ का एक अलग ही माहौल था, मैंने यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखा, और मेरा इस शो का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा. मैं शीना सिंह हूँ, आंचल की मदर. मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ने यहाँ इतनी कॉन्फिडेंटली मॉडलिंग करी है, और फैशन शो में मेरा खुद का नाम और मेरा नाम.